हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू साबूदाना की बिल्कुल परफेक्ट खिचड़ी। अक्सर हमसे साबूदाना खिचड़ी जो है वो चिपकी चिपकी बन जाती है। मैं आज आप लोगों को कुछ खास टिप्स के साथ आलू साबूदाना की खिचड़ी बनाना बताऊँगी, जिससे कि आपकी खिचड़ी जो है वो कभी नहीं चिपकेगी, बिल्कुल खिली खिली आपकी खिचड़ी रहेगी, बिल्कुल साबूदाना खिला खिला रहेगा। तो आइए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम साबूदाना लिया है। हमें साबूदाने को रात भर पानी में भिगोकर रखना है। पानी का लेवल हमें साबूदाने से सिर्फ आधा इंच ऊपर रखना है और इसे ढककर रात भर फ्रिज में रख देना है। आप देख सकते हैं हमारा साबूदाना जो है कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। हमने इसे रात भर पानी में भिगोकर फ्रिज में रख दिया था ढक्कन लगाकर। आप देख सकते हैं साबूदाना ने सारा पानी जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं और एकदम खिले खिले हैं। आप साबूदाने का एक एक दाना गिन सकते हैं। यही वो खास टिप है साबूदाना गलाने का। मैंने यहाँ पर 2 से 3 आलू भी उबाल लिए हैं, उनके छिलके भी उतार लिए हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है आधी कटोरी रोस्टेड मूंगफली के दाने। ये भुनी हुई मूंगफली है, इनके छिलके भी उतार लिए और हल्का सा इन्हें कूट लिया है। आधा नींबू लिया है मैंने और एक लाल कलर का टमाटर लिया है जिसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। कुछ फ्रेश कड़ी पत्ते लिए हैं, 2 से 3 हरी मिर्च ली है, 1 छोटी चम्मच जीरा लिया है। अब सबसे पहले हमें इन आलूओं को अच्छे से मैश कर लेना है। हमें इन आलूओं को बिल्कुल बारीक मैश नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है, जिस तरह से हम समोसे के अंदर रखते हैं। ये देखिए मैंने सारे आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैंने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। उसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे ये 2 चम्मच ऑयल। ये 2 चम्मच ऑयल हमारे सब्जी का जो चम्मच होता है, 1 बड़ा चम्मच, ये उतना ही तेल डाला है मैंने इसके अंदर। हमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है। ये परफेक्ट रेशियो बता रही हूँ मैं आपको परफेक्ट खिचड़ी बनाने का। जैसे हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे ये कड़ी पत्ते, जीरा और हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 4 से 5 डाल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं थोड़ी। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 ही हरी मिर्च ली है। अब हम इन सबको अच्छे से थोड़ा क्रेकल होने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड मूंगफली के दाने। अब हमें इन मूंगफली को भी मुश्किल से 1 से 2 मिनट तक भूनना है। ये ऑलरेडी भुनी हुई है, तेल के अंदर इस तरह से फ्राई कर लेना है 2 मिनट। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। अब हमें टमाटरों को भी 2 से 3 मिनट तक पकाना है। अब टमाटर डालने के बाद हम इसमें 1/2 चम्मच सेंधा नमक ऐड अभी कर देंगे और 1/2 चम्मच नमक हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर देंगे। फिर हम इसका ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे टमाटर भी जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट नहीं होते हैं, इसलिए हमें थोड़ा ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट इसे भुनना पड़ता है, पकाना पड़ता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये मैश किए हुए आलू। आलू डालने के बाद भी हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, मुश्किल से 4-5 मिनट ही इसे पकाना है। हमने इन आलूओं को इन मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमें इन आलूओं को पकाते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं। आलू डालने के बाद हमें गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये साबूदाना। साबूदाना हमें एक साथ इस तरह से नहीं डालना है इकट्ठा, हमें हाथ से इस तरह से खोलकर डालना है साबूदाना को, ताकि हमारी खिचड़ी जो है वो खिली खिली रहे, चिपकी चिपकी ना रहे। क्योंकि रात भर जब हम इसे ढक्कन लगाकर रख देते हैं तब हमारे साबूदाने जो है वो थोड़े चिपके चिपके हो जाते हैं, इसलिए हमें इस तरह से हाथ से खोलकर बिखेरकर एक एक दाने को फिर डालना है। आप देख सकते हैं हमारे साबूदाने कितने शानदार बिखरे बिखरे लग रहे हैं। एक एक दाना हम गिन सकते हैं, इतनी बिखरी हुई खिचड़ी हमारी। अब यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच काला नमक ऐड कर रही हूँ और 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर। आप चाहें तो 1 चम्मच सेंधा नमक डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच सेंधा नमक और 1/2 चम्मच काला नमक ऐड किया है टेस्ट के लिए। अब हम इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे।
हमें इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। ये देखिए मुश्किल से 2 से 3 मिनट हुए हैं और हमारी खिचड़ी जो है बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। हमने इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दिया है। अब हम इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी खिचड़ी कितनी बिखरी बिखरी, कितनी खिली खिली है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस, आधे नींबू से भी थोड़ा कम डालेंगे, इससे कि हमारी खिचड़ी जो है बिल्कुल खिली खिली रहेगी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। इसलिए आप नींबू ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा, प्लस ये खिली खिली रहेगी। यही वो सीक्रेट टिप है एक साबुदाने गलाने का प्लस नींबू डालने का। अगर आपके साबुदाने आप बहुत अच्छे से गलाते हैं, उसका रेशियो पानी का सही रखते हैं साबुदाने के साथ, तो आपकी खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी, बिल्कुल मेरी तरह। आप देख सकते हैं हमारी खिचड़ी कितनी शानदार बनी है। अब मैं आपको इसे सर्व करके भी बता कि ये कितनी परफेक्ट बनी है। ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी खिचड़ी बिखरी बिखरी खिली खिली है। आप मेरे इस मेज़रमेंट को, मेरे रेशियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो आपकी खिचड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आप हमारी खिचड़ी को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी खिचड़ी जो है वो कितनी अच्छी बनी होगी। आप इन छोटे छोटे टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हमारी फलाहारी खिचड़ी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आपको मेरी ये खिचड़ी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।